वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए सगड़ा पुलिस द्वारा किए गए 12 चालकों के चालान। शाम होते होते एमवी एक्ट की अनुपालना करते दिखे अधिकतर चालक। बाजार में निर्धारित समय के आधा घंटा बाद तक बंद हुई सभी दुकानें। वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए सगड़ा पुलिस द्वारा मंगलवार को 12 चालकों के चालान किए गए तथा उप चालकों से 1600 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके अलावा पुलिस द्वारा कोटपा एक्ट के तहत भी 2 चालान किए गए तथा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वाले इन लोगों से 200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मंगलवार को बाजार में अधिकतर दुकानें 8:30 बजे तक बंद हो चुकी थी। हालांकि शराब की दुकान 10 बजे तक खुली रहती है और उक्त दुकान के सेल्समैन के अनुसार वह 10 बजे तक दुकान खोलने के लिए अधिकृत है। इन दिनों क्षेत्र में काफी संख्या में बाहरी राज्यों के बाइकर्स तथा पर्यटक पहुंच रहे हैं और इनमें से कई बार हरियाणा के बाइकर्स एमबी एक्ट की अवहेलना करते भी देखे जाते हैं। रविवार व सोमवार की बजाय मंगलवार को काफी कम लोग एमबी एक्ट की वॉयलेशन करते दिखे तथा पुलिस द्वारा चालान किए जाने के बाद शाम होते होते अधिकतर बाइकर्स हेलमेट पहने नजर आए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सिरमौर जिला परिषद अध्यक्ष की मौजूदगी में भाजपाइयों ने किया पौधारोपण। सांगड़ा में भी भाजपाइयों ने जनसंघ के संस्थापक को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जिला परिषद सिरमौर की अध्यक्ष सीमा कन्याल की मौजूदगी में कत्ताधार में भाजपाइयों द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता नारायण सिंह सहित क्षेत्र के कई भाजपाई तथा पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान देवदार के पौधे लगाकर पंचायत प्रतिनिधियों तथा भाजपाइयों द्वारा डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल ने कहा कि अखंड भारत के लिए अपना बलिदान देने वाले डॉक्टर मुखर्जी द्वारा देखा गया एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान का सपना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा साकार किया जा चुका है। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन परिचय पर भी प्रकाश डाला। उपमंडल मुख्यालय सांगड़ा में भाजपा नेता प्रताप तोमर, बलबीर ठाकुर, प्रताप सिंह, सोम प्रकाश शर्मा, मनोज ठाकुर, शर्मानंद व अनिल आदि द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भाजपा मंडल महासचिव बलबीर ठाकुर द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवनी पर जानकारी दी गई तथा मौजूद लोगों से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि 23 जून को डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस के बाद से अब तक क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भाजपाइयों द्वारा पौधारोपण तथा समाज सेवा संबंधी अन्य कार्य किए गए। 6 जुलाई को हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को संगड़ा में मनाया गया। उनका देश के लिए बहुत योगदान रहा है, वो देश के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं और यहाँ पर संगड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके 23 जून को बलिदान दिवस भी मनाया था और तब से लेकर के आज 6 जुलाई तक हमने सेवा सप्ताह भी मनाया है। विभिन्न प्रकार के हमने सोशल कार्य भी उनके सेवा सप्ताह के रूप में हमने किए हैं। उनका जो सपना था देश में एक निशान एक प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और धारा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटा करके हमारे देश का जो अभिन्न अंग बनाया है उसके लिए भी मैं नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी सरकार है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।